वेलकम टू होम टेस्टी फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं तुअर के हरी फल्ली की दानों की सब्जी। खेत में से हरी फल्ली तोड़ के उसमें से दाने निकाल के रख दिए थे। तो सबसे पहले मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, घिसा हुआ ग्रेटेड कोकोनट लिया है, यहाँ पे लिया है हरा धनिया पत्ता, उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ली है, उसके बाद 10 से 12 लहसुन की पंखुड़ियाँ ली है। तो पैन में हम सबसे पहले दानों को रोस्ट करेंगे। हो गया है तो दानों को हम निकाल लेंगे। पैन में 2 चम्मच तेल डाल के उसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब ग्रेटेड कोकोनट और गार्लिक को डाल देंगे पैन में और सभी को एक साथ रोस्ट करेंगे अच्छी तरीके से, जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन में ना चेंज हो जाए। हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब सभी को हम मिक्सी में से ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखे। दानों को भी ऐसे ही करके मिक्सर में से ग्राइंड कर लेंगे। ले ली है, उसमें हम तेल डालेंगे और उसमें सबसे पहले तो मस्टर्ड सीड्स ऐड होंगे और उसके बाद जीरा डालेंगे। मैंने अदरक के छोटे टुकड़े और लहसुन के छोटे टुकड़े कर दिए हैं कि जो हमने मसाला निकाला था। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें रोस्ट करना है, अच्छे से भूनना है तेल में जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, एक हल्दी चम्मच पाउडर और बाकी सॉल्ट 2 चम्मच। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, वो तुअर की दानों का पेस्ट हमने इसमें डालना है और उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करने के लिए, मेंटेन करने के लिए थोड़ा पानी डालना है क्योंकि सब्ज़ी गाढ़ी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें धनिया पत्ता काट के डालेंगे, इससे और भी अच्छी लगेगी सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी बनी है सब्ज़ी। इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें।